बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है लाइट फॉलोअर रिबोट। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है, इसको आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया हुआ है LM358। LM358 आईसी के अंदर दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं। इसमें टू सर्किट सेम ही यूज हुए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड की मोटर के लिए और एक राइट साइड की मोटर के लिए। तो यहाँ पर हमने टू LDR सेंसर यूज किए हुए हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, इसके बाद 10K की पोटेंशियोमीटर यूज की हुई है सेंसिटिविटी सेटिंग के लिए। इसके बाद मोटर को स्विच करने के लिए टू NPN ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं, BD139। रोबोट को रन करने के लिए DC गियर मोटर यूज की हुई है। रोबोट पे हमने लेफ्ट साइड के सेंसर से राइट साइड की मोटर ऑपरेट करनी है और राइट साइड के सेंसर से लेफ्ट साइड की मोटर ऑपरेट करनी है। तो चलिए अब सिमुलेशन रन कर लेते हैं। तो यहां से हम इस LDR पे लाइट की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वैल्यू सेट पॉइंट से ओवर गई है तो लेफ्ट साइड की मोटर रन होगी हुई है और साथ LED लगाई हुई है इंडिकेशन के लिए। लेफ्ट साइड की मोटर रनिंग कंडीशन में है। इसके बाद यहां से राइट साइड के LDR की भी लाइट क्रीप कर लेते हैं। तो जैसे ही राइट साइड के LDR की भी लाइट करीब होती है तो उस कंडीशन के ऊपर राइट साइड की भी मोटर रन होगी हुई है और यहां से हम सेंसिटिविटी की वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को 50% से अप कर देते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर ये LDR ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए AA4 सेल सीरीज में यूज किए हुए हैं, तो 6 वोल्टेज बनते हैं। इसके बाद यहां पर हमने पावर ऑन ऑफ के लिए एक स्विच यूज किया हुआ है। इसके बाद 100UF का फिल्टर कैपेसिटर यूज किया हुआ है। इसके बाद LDR सेंसर यूज किया हुआ है। LDR सेंसर को पुल अप करने के लिए 10K की रेसिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद सेंसिटिविटी सेटिंग के लिए 10K की पोटेंशियोमीटर यूज की हुई है। इसके बाद टू OPAM यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने OPAM के लिए जो IC यूज किया हुआ है LM358 है। तो इस IC के अंदर दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं। इसके बाद OPAM की आउटपुट पे एक LED यूज की हुई है और एक 100 ओम की रेजिस्टेंस यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर 1K की रेजिस्टेंस यूज की हुई है जो कि NPN ट्रांजिस्टर की बेस के साथ अटैच की हुई है। तो यहाँ पर हमने BD139 NPN ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है। मोटर को स्विच करने के लिए इसकी मीटर पे नेगेटिव इन दी हुई है और कलेक्टर से नेगेटिव आउट मोटर के साथ अटैच की हुई है। मोटर को पॉजिटिव ड्रैक दी हुई है। इसके बाद एक रिवर्स बायसिंग के लिए मोटर के पैरेलली डायोड यूज किया हुआ है 4148। तो ये सर्किट 2 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। लेफ्ट साइड का सर्किट राइट साइड की मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया हुआ है और राइट साइड का सर्किट लेफ्ट साइड की मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया हुआ है। तो इसमें वर्किंग कुछ इस तरह से है, अगर राइट साइड के सेंसर ने लाइट को रीड किया हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर वो राइट साइड की मोटर को ऑन रखेगा तो रोबोट हमारा टर्न राइट होता जाएगा, यानी कि जिस तरफ से उसको लाइट मिल रही होगी उस तरफ मूव करेगा। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड के सेंसर ने लाइट रीड की हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर ये राइट साइड की मोटर को ऑन रखेगा और रोबोट हमारा लेफ्ट मूव होता जाएगा। अगर दोनों सेंसरों ने लाइट रीड की हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर रोबोट हमारा फॉरवर्ड जाएगा और जैसे ही कोई एक सेंसर से लाइट कम हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर जिस साइड पे लाइट ज्यादा है उस साइड पे रोबोट हमारा मूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।